छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए चलाए जा रहे स्वास्थ्य क्लिनिकों की तर्ज पर मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं सीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कई आरोप लगाए और कहा कि नड्डा षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ शहर में और गांव में शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना मेडिकल मोबाइल यूनिट हमने प्रोवाइड किया, उसी प्रकार से गांव में हाट बाज़ार क्लिनिक योजना हमने शुरू की। अब गौवंश के लिए भी मेडिकल यूनिट हम ला रहे हैं, जो मोबाइल यूनिट होगी, जिसमें ये सुविधाएं होगी कि जहाँ भी डिमांड होगी वहाँ जाके गौवंश का इलाज किया जाएगा। उसमें चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मतलब जहाँ सूचना मिलेगी वो जाके, जैसे आप 112 में आप फ़ोन करते हैं वो टीम पहुँच जाती है, तो उसी प्रकार से ये भी व्यवस्था होगी उसमें। ये तो सुनने में नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं, दिमाग में हो कि होने वाला है उसे पहले बोल दें, तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों। और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं, और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है, तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए, इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफ़ी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की योजना सरकार जल्द शुरू करने जा रही है, किस तरह की ये योजना है और पशुओं को इस योजना से क्या सहायता मिलेगी? देखिए, मोबाइल पशु चिकित्सा योजना के अगर बारे में विस्तार से अगर बात की जाए तो लगभग इसमें जो किसान वर्ग है, खासतौर से छोटे किसान वर्ग है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही जाहिर किए थे। शुरुआत में जब मुख्यमंत्री बनकर के आए थे तो कई तरीके से पशुओं को लेकर के एक नए योजना के तौर पर लागू किया है, चाहे गोधन न्याय योजना की बात किया जाए, चाहे गोबर खरीदी की बात किया जाए, और चाहे जो नरवा गरवा घुरवा की बारी की बात की जाए, तो ऐसे तमाम विषयों को लेकर के और ऐसी योजनाओं को लेकर के शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लामबद्ध रहे। लेकिन इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आती है कि जैसे ही जो किसान है अपने मजदूर जो गाय है उनको रख रखाव के लिए जो व्यवस्थापन करनी चाहिए उस व्यवस्थापन को लेकर के खरा उतरने के लिए, और अगर जो पशु अगर बीमार पड़ जाते हैं उसकी देखभाल करने के लिए भी सबसे ज्यादा किसानों को मेहनत करनी पड़ती है, और डॉक्टर की छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। कमी इसलिए देखी जा रही है क्योंकि इंसानों की जो इलाज करने के लिए डॉक्टर तो है, लेकिन पशुओं के इलाज करने के लिए अब तक के डॉक्टर की उपलब्धता नहीं हो पाती थी। लेकिन मोबाइल पशु चिकित्सा योजना के तहत किसानों को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, और पशुओं के प्रति जो प्रेम है और अपने जो लगाव है, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में ये भी देखा जा रहा है कि बैल के द्वारा ही हल जो चलाने की जो प्रक्रिया है, जो संस्कृति चली आ रही है, वो अब भी बरकरार है, जिसके तहत ही हरेली त्योहार का भी मनाया जाता है। लेकिन पशु ही अगर बीमार हो जाएगा तो किसान ध्वस्त हो जाते हैं। इसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे शानदार योजना प्रसारित की है जिसका नाम है मोबाइल पशु चिकित्सा योजना। इससे किसानों को सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।